हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल है मिलता है, या सिल्वर मेडल मिलता है, या ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, तो क्या आपको पता है एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल की कीमत कितनी होती है? क्या उसमें सारा गोल्ड होता है या मिलावट होती है? कितने कैरेट का गोल्ड होता है? सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले, अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो टोक्यो ओलंपिक की हर एक अपडेट के लिए, देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर, हर तीज त्योहार, व्रत और यात्राओं के लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 की शुरुआत हो चुकी है और आज फर्स्ट सिल्वर मेडल भी आ चुका है, जो कि मीराबाई चानू की तरफ से आया है। तो अब बस नाम मात्र के ही दिन बचे हैं, और भी मेडल्स जो है जल्दी से आ जाएं, इसके लिए उम्मीद रहेगी। तो खेलों के इस महाकुंभ का कोरोना में आयोजन काफी विवादों में है। हालांकि खिलाड़ियों को कोरोना के गाइडलाइंस के अंदर रहने की ही सख्त हिदायत दी गई है, इसके बावजूद अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये कोरोना की लहर को हवा दे देगी। ओलंपिक की तैयारी कई देशों के खिलाड़ी कई सालों तक करते हैं, इसके लिए क्वालिफाइड होना ही सबसे बड़ी बात होती है। और ऐसे में अगर आपने मेडल जीत लिया तो ये समझिए आपका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन क्या आपने सोचा है इस गोल्ड मेडल की कीमत क्या होती है? टोक्यो ओलंपिक में दिया जाने वाला मेडल काफी खास होगा। इस बार पहली दफा इन मेडल्स को पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिसाइकल कर बनाया गया है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको, यानी इन मेडल्स को लोगों द्वारा दान किए गए पुराने सामानों से रिसाइकल कर बनाया गया है। जापान के लोगों ने इसके लिए करीब 62 लाख पुराने मोबाइल फोन दिए थे। साथ ही गोल्ड की बात करें तो करीब 32 किलो सोना जमा किया गया था गोल्ड मेडल्स बनाने के लिए। ओलंपिक में तीन तरीके के मेडल्स बांटे जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो ऐसे में लोगों को भी यह बात जानने की दिलचस्पी होगी कि आखिर एक गोल्ड मेडल की कीमत कितनी होती है। जो गोल्ड मेडल होता है उसका वजन की बात करें तो टोटल 556 ग्राम का होता है गोल्ड मेडल। ओलंपिक में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है उस मेडल के वजन में सिल्वर होता है 550 ग्राम और ब्रॉन्ज 450 ग्राम का होता है। अगर सिल्वर हम मेडल की बात करें तो 550 ग्राम और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 450 ग्राम, वहीं पे गोल्ड मेडल 556 ग्राम का होता है। तो इस हिसाब से खिलाड़ी को मिलने वाला गोल्ड जो कीमत अगर उसकी हम बात करें तो टोटल 26,29,880 रुपए के करीब होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें कि 556 ग्राम का गोल्ड मेडल बेचने से इतनी कीमत मिलेगी, तो खिलाड़ी अगर अपना गोल्ड मेडल बेचना चाहें तो उनको मात्र 65,790 रुपए मिलेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, गोल्ड का वजन 556 ग्राम है, गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा है, तो इसकी जो मिलने वाली कीमत है गोल्ड मेडल को बेचने के बाद इतनी कम क्यों है? यहाँ पे एक बात मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे खिलाड़ियों की सेंटिमेंट से जो है कोई भी लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे एक रफली आइडिया, इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि गोल्ड मेडल की कीमत एक्चुअली में क्या है, कितने ग्राम का होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। लेकिन गोल्ड मेडल की अगर हम कीमत की बात करें तो आप सभी जानते हैं, एज ए इंडियन जब कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल क्या सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल भी जीतता है, तो उसकी ये पैसों की कीमत की बजाय कितना सम्मान, कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत मिलती है, और जो वो खुशी है हर इंडियन की, भारतीयों की, वो कहीं ज्यादा इससे है। तो यहाँ पे हम सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, किसी की, खिलाड़ी की या किसी भारतीय की या किसी भी आमजन की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। तो गोल्ड मेडल में झोल कहाँ होता है? गोल्ड मेडल में सिर्फ 6 ग्राम ही सोना होता है, 550 ग्राम की चांदी होती है। इसी हिसाब से सोने की वैल्यू 28,500, तो चांदी का कीमत है 550 ग्राम, तो उसकी कीमत हुई 37,290 रुपए। तो इस तरीके से गोल्ड मेडल की टोटल कीमत जो हुई 65,790। गोल्ड मेडल में सिर्फ 6 ग्राम सोने की प्लेटिंग की जाती है, बाकी सब चांदी का होता है। सिल्वर मेडल 550 ग्राम का और ब्रॉन्ज मेडल 450 ग्राम का होता है।
अब आप इन्हें मेडल्स की कीमत जान ली है तो टोक्यो ओलंपिक्स में इन मेडल्स को खास बॉक्स में रखकर दिया जाएगा। इन बॉक्स को लकड़ी से बने खास खोल में रखकर दिया जाएगा। ये काफी ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन से बनाया गया है। इसे जापानी डिजाइनर्स ने बनाया है और हर बॉक्स का पैटर्न अलग है और इन्हें लकड़ी से काटकर बनाया गया है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो का माध्यम किसी भी खिलाड़ी, किसी भी भारतीय या किसी भी आम जन, किसी भी नागरिक की, किसी भी इंसान की भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक मेडल को जीत पाना और मेडल को जीत पाने से ज्यादा कि ओलंपिक में आपका हिस्सा लेना ही कितनी बड़ी बात होती है, वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हम हर खिलाड़ी के जो मेहनत है, जो उनका स्ट्रगल है, जो उनकी इंस्पिरेशंस है, उन सभी चीजों का सम्मान करते हैं। और चाहे वो हमारे लिए गोल्ड मेडल ले, सिल्वर ले, ब्रॉन्ज मेडल ले, या सिर्फ हिस्सा लेना भी हमारे भारतीयों के लिए कितनी बड़ी बात है। हम सबकी इज्जत करते हैं, सभी खिलाड़ियों को सैल्यूट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल थी, ठीक है? तो कोई भी अपने दिल पे ना ले इन सब बातों को, सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरीके से इस वीडियो को देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।